हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, हुआ अटेम्प्ट ये? अच्छा, सर मैचिंग वाले का आंसर नहीं आ रहे थे मेरे। नहीं, अटेम्प्ट तो हो गया ना एक बार, बाकी लोग। यस सर अटेम्प्ट कर लिया था। यस सर, वो यस तो हो गया। ठीक है, अच्छे थे क्वेश्चन। यस सर। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे डिस्कस कर लेते। जिन जिन को भी डाउट्स हो प्लीज पूछ लेना अपने आप से, ठीक है? कि भाई क्या इसमें जो जो भी डाउट्स है अपने अपने सारे डाउट्स आज क्लियर कर लेना, ठीक गुड है? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। तो देखो, प्लेन के केस में आपको हमेशा बताया बोला है कि एक डायग्राम बना लिया करो तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखनी है जो इस स्ट्रेट लाइन को कंटेन करता है। लाइक प्लेन, ये कोई प्लेन है जिसकी इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर मुझे एक लाइन गिवन है, ठीक है? और वो किसी और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। किसी और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, जिसके अंदर दो लाइन हमें पता है, जिसके अंदर दो लाइन की इक्वेशन हमें पता है। जैसे एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, ठीक है? इनको मैं नाम दे देता हूँ, सपोज L1, L2 और L3, ठीक है? तो इस वाले प्लेन, इस प्लेन की मुझे क्या लिखनी है इक्वेशन, बताओ जल्दी से कैसे करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया था ना सबको? यस सर। आंसर सबने यस मैच सर। किया था, अपने आंसर की भी दी थी मैंने पीछे, यस सर। ठीक है? तो कैसे करेंगे, इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो क्या पॉइंट है मेरे पास? यस सर। हाँ, यस तो ये लाइन है सर। L1, जीरो कॉमन। ये लाइन है L2, ये लाइन है L3, वेरी गुड। 0.0.0 वैसे सब में दिख रहा है, तो ये पॉइंट है 0.0.0 जो इस पे भी लाई कर रहा है, इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, या फिर चलो कहीं भी बना दो। पॉइंट तो है मेरे पास, पॉइंट तो है मेरे पास 0.0.0। अब नॉर्मल वेक्टर बता दो क्या होगा। एल टू और एल थ्री का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डायरेक्शन रेशियो के। यस हाँ, वेरी गुड। देखो, एक तो इस प्लेन में ऑलरेडी एक वेक्टर है B1 वेक्टर, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर सर। B1 है, ठीक है? आप इस प्लेन में भी एक B2 वेक्टर, एक B3 वेक्टर है, एक B2 और एक क्या है, B3, ठीक है? तो B2 और B3 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, एक और नॉर्मल, मतलब इस एक वाले नॉर्मल, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। इन दोनों इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा जो इस B2 क्रॉस B3, ठीक है? और ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर इस प्लेन गिवन प्लेन के पैरेलल होंगे, यस सर। तो इन दोनों का भी क्रॉस ले लेंगे तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। यस सर। ऐसे ही किया था सबने, तो यस सर। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास N3 वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। नॉर्मल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। इसका आंसर आ रहा था सबका, आया ना? सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, आगे बढ़े, नहीं तो एनीवन कोई नो सर। डाउट है इसमें? ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ, 1 मिनट। बी पार्ट और सी पार्ट देख लो फटाफट। बी पार्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन इज 5, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द प्लेन इज। ये हो गया था क्या? यस सर। बाकी लोग यस सर। देखो, किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है? अगर आपको डाउट है, आपसे आंसर मैच नहीं किया तो पूछ लेना, नहीं तो हम आगे सर बढ़ते हैं। सब प्रोसीजर तो यही रखना था ना कि पहले डिस्टेंस वाली इक्वेशन से अल्फा निकाल लो और प्लेन की इक्वेशन बनाओ, फिर उसमें से लेमडा अज्यूम करो, फिर लाइन की इक्वेशन से लेमडा अज्यूम करो, फिर उसे ठीक प्लेन है, में तो सेटिस्फाई करवाओ। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। इफ द पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन, एक पॉइंट, एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें पता है, एक पॉइंट पी जिसका डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, पी जो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है 1 -2 और 1, ठीक है? आपने कोई और तरीका अपनाया तो फिर वो भी बता देना, ठीक है? ये पॉइंट है सर उसका पी, एआर है इस तो सर कौन सा, पहले पी क्यू लाइन बना लेंगे। हाँ ये डिस्टेंस हमें 5 गिवन है। 1 मिनट को पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप बताना। ये डिस्टेंस मुझे 5 गिवन है, इस प्लेन की इक्वेशन गिवन है x+2y-2z=α। ये प्लेन की इक्वेशन गिवन है और ये बोला गया है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस 5 है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, ये क्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्यू। तो यही किया होगा आपने, क्या किया होगा बताओ? इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, नॉर्मल वेक्टर पता है यस मुझे, सर।
लाइन की इक्वेशन आ जाएगी पी क्यू, पॉइंट क्यू मान लो के, अजम्पशन मान लो के पॉइंट क्यू सर, या फिर अच्छा इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली, फिर पॉइंट क्यू मान लेंगे इस लाइन के ऊपर, क्लियर है? यस सर। फिर डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू 5 कर देंगे तो वहां से ये पॉइंट क्यू आ जाएगा, लैम्डा के टर्म्स में क्यू मानोगे वहां से क्यू आ जाएगा, क्यू पता है, क्यू को इसके अंदर रखोगे तो अल्फा आ जाएगा, यही होगा सर। बेसिक प्रोसीजर था, कब आया था ये? 2000 स्टार्टिंग में आया था ये जेई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस टीडी क्या लिखा हुआ है इन्होंने, क्या हुआ TD01, ये कौन सा कोड है, कहाँ लिखा है? अच्छा ये उस मॉड्यूल का कोड होगा, कोचिंग का, जो जिस कोचिंग की मॉड्यूल है ना उसका कोड होगा, ठीक है, इसको ही मतलब। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, एक्चुअली मेरे को PYQ लेने थे तो PYQ यहाँ पे एक साथ दिए हुए थे इन्होंने, इसलिए फिर मैंने आपको यहीं से दे दिए इकट्ठे, नहीं तो मैं एक एक करके क्रॉप करता काफी टाइम जाता। यहाँ अपन ने देखो 2019 के आगे के तो कर चुके थे, राइट है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये उसकी बात की PYQ है, 2000 आई थिंक ये 2011-12 से स्टार्ट है, 11 से लेके अब के बात के, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस एंड दिस एंड द लाइन दिस दिस दिस, ये हो गया था सी पार्ट। यस सर, ठीक है। अगेन देखो यही बोला गया, इसमें दिक्कत आ रही थी, दिक्कत आ रही थी कैलकुलेशन करने में क्या। ओके चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको जिसमें भी डाउट है ना खुद से पूछ लेना, मुझे नहीं पता आपने सॉल्व कैसे किया है कि नहीं, मैंने भी अटेम्प्ट किया नहीं है, तो आपके हिसाब से अगर आपको जो जो भी डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है। तो बोला कि एक प्लेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग लाइन दिस, अगर एक प्लेन के अंदर दो लाइन है तो क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो सर? यस सर। यस नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन इज रूट 6, तो दोनों प्लेन पैरेलल आ रहे थे? यस सर, दोनों प्लेन पैरेलल थे वहां से। आपको देखो कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे, दोनों प्लेन के कोएफिशिएंट को पहले एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को सेम बना लेना, और फिर उस कोएफिशिएंट का जो डिस्टेंस है फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या था? d1 माइनस d2 अपॉन d1 एक ही ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मॉड है तो d1 माइनस कुछ भी ले लो, और इसको इक्वल कर दोगे रूट 6 के साथ। यहां से आंसर मैच नहीं कर रहा था क्या सर? मैंने ना वो इक्वल नहीं करे, शायद एक के ही ले लिया। हां तो एक बार देख लेना, बाकी लोगों का आंसर आ रहा था क्या? यस सर, ठीक सर है, आ रहा है, ठीक है चलो एक बार वो ट्राई कर लेना, इसको बेसिक क्वेश्चन है बस। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये था कि अगर एक प्लेन के अंदर दो लाइन पता हो तो हम प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा b1 क्रॉस b2, और पॉइंट ऑन द प्लेन भी हमें पता है, तो नॉर्मल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके ठीक है, समझ गया। क्या था मैच दो कॉलम? चलो दिख रहा है ना सबको ये स्क्रीन पे, ये मतलब छोटा तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला देखो, ये अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन मीट्स द एंड दिस एंड दिस एट पी एंड क्यू, इफ द डिस्टेंस पी क्यू इज डी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर, ये हुआ क्या डाउट है? इसको करने के दो अलग अलग हो सकता है, आपने अलग अलग तरीके अपनाए हो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। बोला गया है क्या कि एक लाइन जो ओरिजिन से जा रही है, एक बार इसको मैं पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, ध्यान से देख लो फिर आप बताना आपने क्या क्या तरीका अपना है। एक लाइन जो ओरिजिन से जा रही है और बोला है कि इन दोनों लाइन को पी और क्यू पे मीट करते, तो एक लाइन मान लो ये रही, एक दूसरी लाइन कोई और होगी, दोनों को कहाँ पे मीट करती है? पी और क्यू पे, एक पॉइंट है पी, दूसरा पॉइंट है मान लो क्यू, और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू डी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस आपको पता है डी, तो डी की वैल्यू निकालनी है और दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है। हाँ अब बताओ क्या तरीका अपनाएंगे? तो मैं तो स्क्यू लाइंस मान के किया था इसको। किन दोनों लाइन को? तेरे जो दो लाइन दे रखी है इनको, तो इससे स्क्यू मानने से क्या होगा सर? पता नहीं लेकिन मेरा आंसर नहीं आया इससे। ना स्क्यू तो मानना ही नहीं ना, स्क्यू तो कौन सा, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन में क्या बोला है? एक लाइन जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी दिया हुआ है, तो हमको ये डिस्टेंस डी निकालना है, दोनों लाइन की इक्वेशन पता है,
तो यहाँ पे स्क्यू हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बस कॉन्सेप्ट क्या बोला, एक लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है इन दोनों को मीट कर रही है, और कोई तरीका बताओ? नहीं किया क्या क्वेश्चन सॉल्व? नो सर, नहीं हो रहा था। चलो फिर करते फिर मिलके। तब लोग क्वेश्चन देख लो एक बार, दोनों लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, ओरिजिन से ये पास कर रहा है और बोला पी और क्यू पे इंटरसेक्ट, क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अब देखो क्या तरीका अपना है, अल्टीमेटली पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना, या तो ये पॉइंट पी और क्यू आ जाए तो काम बन जाए, तो पी और क्यू अगर आ गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स तो मुझे इनके बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, तो पी और क्यू कैसे निकालना है? तो पहले पी और क्यू कुछ मान लेंगे उनकी टर्म्स में, लैम्डा म्यू की टर्म्स में। हाँ देखो यहाँ पे हम देखो, एक तो पहली चीज लाइन हमारी कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से, है ना। अब लाइन की इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं, वेक्टर फॉर्मेट में आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी ऐसे लिखते हैं। यस सर। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें जो पासिंग पॉइंट है वो तो जीरो है, ओरिजिन है, तो आर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये तो लाइन की इक्वेशन में लिख सकता हूँ। पर ये P और Q निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो ये दो, ये जो लाइन है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, राइट। तो और ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग है, इस लाइन पे पॉइंट तो अज्यूम चलो आप कर लोगे, मान लो कि अगर पॉइंट भी अज्यूम करोगे तो अननोन तो ज्यादा रहेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, ओपी वेक्टर है, एक वेक्टर है ओपी, एक वेक्टर है पी क्यू ओ क्यू, पी अगर निकल जाए तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो पी निकालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन, देखो ध्यान से, लाइन L1 की इक्वेशन हमें पता ही है, L1 है मतलब इस पे पॉइंट पता है, इसका पैरेलल वेक्टर पता है, इस पे पॉइंट पता है, उसका पैरेलल वेक्टर पता है, हमें ये निकालना है। सर इसे ऐसे नहीं कर सकते, पी को लैम्डा के टर्म्स में मान लेंगे? नहीं, पी जो देखो इसका पैरेलल वेक्टर भी तो नहीं पता हमें, पैरेलल वेक्टर पता नहीं है तो यहाँ पे तो अननोन आएगा, लैम्डा के अलावा बी का भी अननोन, पैरेलल वेक्टर के भी कोएफिशिएंट मान लो कुछ होंगे, मान लो ये पैरेलल वेक्टर अपन ने मान लिया ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ठीक है, इस लाइन का तो पैरेलल वेक्टर ये मान लिया अपन ने, ठीक है, लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या मान लिया, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, अब अननोन ये तीन है इसके अंदर, अगर पैरेलल वेक्टर अपन माने तो मुझे तीन कंडीशन चाहिएगी कैसे भी करके, बताओ। देखो एक चीज ये कर सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि अच्छा मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये सिखाया था, एक सेकंड यही पे नया पेज ऐड करो, कि अगर दो लाइंस होती है वो किस किस तरह की होती है 3D में, बताओ? इंटरसेक्टिंग, या तो इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या फिर स्क्यू होगी, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल भी नहीं होगी, तो अगर अभी हमारी लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट? तो yes, अगर इंटरसेक्टिंग है तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा, हाँ है ना? Yes, sir. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता था, याद है? Yes, sir. X1. हाँ, एक तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 ऐसा कुछ आता था ना? Yes, sir. यहाँ पे ऊपर कोएफिशिएंट रहते थे a2 माइनस a1 के, और यहाँ पे b1 के कोएफिशिएंट और यहाँ पे b2 के कोएफिशिएंट, ऐसा कुछ था डिटरमिनेंट के अंदर, एक बार चेक कर लेना मुझे फॉर्मूला, अभी यही दिमाग में आ रहा है, a2 माइनस a1 ऊपर रहता था, b1 और b2 यहाँ पे रहते थे, राइट? ऐसा ही होता था ना? यस सर। तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ कि ये l1 और मेरी given लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो जीरो होगा, ठीक है, तो यहाँ से abc में एक रिलेशन आएगा, फिर L2 और इस गिवन लाइन में अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो का, तो वहां से ABC में दूसरा रिलेशन आएगा, दो तो मिल गए। अल्टीमेटली देखो मुझे ABC एग्जैक्ट नहीं चाहिए, ABC रेशियो के टर्म्स में चाहिए, राइट? क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज है ना ये, तो ABC जो वो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, तो अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं है लेकिन मुझे अगर A टू B टू C भी पता चल गया तो मेरा काम बन जाएगा। यस सर। ठीक है, उससे मुझे क्या मिल जाएगी, इस रेड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी।
अल्टीमेटली अगर इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो फिर से सारा काम हो जाएगा, पॉइंट पी भी आ गया, क्यू भी आ जाएगा। बस कैसे भी करके इस जो गिवन लाइन एल है इसकी अगर इक्वेशन मैंने निकाल ली तो मेरा काम हो जाएगा। पॉइंट तो है, मुझे कैसे भी करके क्या निकालना है, पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। अगर पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो देखो ए टू माइनस ए वन, ये जो पॉइंट है एल वन पे क्या क्या है एक बार देख लो। एल वन पे पॉइंट कितना है, टू वन माइनस वन, सही है। और एल टू पे पॉइंट क्या है, एट बाई थ्री माइनस थ्री और वन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो इस पे तो ये आपका ए वन है, ये आपका ए टू हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो कर रहा हूँ ताकि एबीसी में रिलेशन आ जाए। मुझे कैसे भी करके ए एबीसी निकालना, एबीसी जैसे आ जाएगा पी और क्यू अपने आप आ जाएगा। तो एबीसी निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को मैं जीरो कर रहा हूँ। तो पहली कंडीशन ए टू माइनस ए वन जब अप्लाई करूंगा यहाँ पे तो टू वन माइनस वन, फिर दोनों दोनों वेक्टर के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे एबीसी होगा, यहाँ इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, वन माइनस टू वन। तो एक तो हो जाएगा एबीसी और एक हो जाएगा वन माइनस टू और वन। ठीक है, ये हमने कर दिया इक्वल टू जीरो, यहां से इक्वेशन आएगी। तो पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन अगेन लाइन टू के लिए, ये लाइन और ये लाइन वापस इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके ए टू माइनस ए वन करोगे तो एट बाई थ्री माइनस थ्री वन, एट बाई थ्री माइनस थ्री वन ए बी सी, और पैरेलल वेक्टर क्या है, अरे दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वापस चेक करो बुक में, डिटरमिनेंट के टर्म्स में लिख के सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, हां डिटरमिनेंट होता था ना दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहां से एबीसी में एक रिलेशन आएगा और यहां से एबीसी में दूसरा रिलेशन आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. देखो दो रिलेशन है, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ए टू बी टू सी चाहिए। तो दो इक्वेशन आएगी एबीसी में, तो वहां से क्या एबीसी के रेशियो निकल जाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। एबीसी में दो रिलेशन आएंगे, एक को एलिमिनेट कर देना, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना, फिर मतलब तीनों को किसी एक के टर्म्स में लिख लेना। क्या क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Okay. चलो मैं करके दिखूंगा, हो जाएगा क्या? Yes, sir, हो जाएगा। देखो आप कुछ बचा नहीं है, ये तरीका बहुत इससे जल्दी हो जाएगा आपका काम। यहाँ से एबीसी में एक रिलेशन आएगा, आप चाहो तो निकाल लो। एक काम करो, आप इसको सॉल्व करो सेकंड वाली को, मैं फर्स्ट वाली को सॉल्व करता हूँ, आपको बता दूंगा। इस सेकंड वाली को सॉल्व करके बताओ यहाँ से क्या आ रहा है। आप लोग सेकंड वाली को सॉल्व करो और मैं फर्स्ट को सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस सर फर्स्ट वाले में, हाँ बताओ, ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी इक्वल जीरो आ रहा है। ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी, वेरी गुड, थैंक यू, इक्वल टू जीरो। यस सर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड वाली करो एक बार, कोई कर रहा हो तो। कर रहे हो क्या सॉल्व, बताओ कितना आ रहा है। और किसी को डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लेना। एक मिनट आया मैंने, आप सॉल्व करो, देखो यहाँ से ए बी एच टू बी टू सी कितना।
हाँ निकाला आंसर सेकंड इक्वेशन का ही, बताना सेकंड इक्वेशन 3a + b - 5c। 3a + b - 5c इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक बार सब आपस में अपना आप क्रॉस चेक कर देना, ये आ रहा कि नहीं आ रहा है ना, देख ये आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, देखो दो इक्वेशन आ गई, मुझे एबीसी का रेशियो निकालना है क्योंकि मुझे सिर्फ रेशियो से मतलब है, डायरेक्शन रेशियो से, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं। तो इन दोनों को क्या कर ऐड कर दें, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4a + a = -b 4b = 0, राइट। तो a इक्वल टू माइनस बी आ जाएगा, क्लियर है यहां तक? यस सर। a इक्वल टू माइनस बी आ गया। अब आप चाहो तो किसी इसमें रख देना, a की जगह माइनस बी रख दो यहां पे, तो a की जगह माइनस बी रख दो किसी एक इक्वेशन में, तो -b + 3b + 5c = 0। तो यहां से 2b + 5c = 0, यहां से देखो कितना आ जाएगा, 2b = -5c, ठीक है। तो b = -5, c निकाल लेते हैं यहां से, c = कितना आ जाएगा, -2b/5, ये आएगा, आया ना? मुझे चाहिए था a = b = c, तो a की जगह क्या लिख देंगे -b, b की जगह b रहने देंगे और c की जगह क्या लिख देंगे -2b/5, ठीक है। रेशियो है तो चाहो तो b से डिवाइड कर देना, b से डिवाइड करोगे -b से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, फिर b से डिवाइड कर देना तो -1:1:-2/5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, तो हो जाएगा 5:5:+2, देखो ये आ रहा है, यस सर, ठीक है। तो 5 - 5 और दो, देखो ऑप्शन में है क्या, अच्छा पूछा क्या, अच्छा अभी तो ये आया, सॉरी अपन को क्या आएगी, PQ लाएंगे इक्वेशन आ जाएगी, बोलो। यस सर। तो अब आप ये पी लैम्डा के टर्म्स में मान लेना, तो यहाँ से पॉइंट पी आ जाएगा और पॉइंट क्यू भी आ जाएगा, फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएंगे, क्या क्लियर हो गया? यस सर। यस सर, ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना, अलग क्वेश्चन था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये अप्रोच अपना लेना। और भी अप्रोच हो सकती है इसकी, क्या वेक्टर फॉर्मेट में इसको, जैसे मान लो इस पॉइंट को कुछ मान क्या नाम दिया था, मान लो ओ नाम दे दो, ओपी वेक्टर, ओक्यू वेक्टर बोल दो, उस तरह के सोच सकते हैं अपन थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है, सोचना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बी, तो आपको उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बाद में कर लेना, आप देख लेना। ये सी वाला सी क्वेश्चन, बी क्वेश्चन नंबर सी, सर ये होएंगे सर, डाउट है? यस सर। यस सर, आधा ही बताइए। अच्छा क्वेश्चन, इसमें है ना, इन्होंने वो करवाई है, कैलकुलेशन करवाई है, मैनिपुलेशंस। यहाँ पे बोला गया है नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी, अलग अलग डेटा गिवन है हमको और अल्टीमेटली मुझे म्यू निकालना है, तो कैसे भी बस क्या करना है उस, देखो जेई एडवांस ये जनरली करता ही है, आपको क्वेश्चन में डेटा बहुत सारे दे देगा, उन सारे डेटा को अपन कैसे यूटिलाइज करना है वो इंपॉर्टेंट, वो ये देखता है कि आप कैसे सब डेटा को यूज कर रहे हो। आप जनरली जेई एडवांस में जो क्वेश्चन देखोगे उसमें ये होगा ही कि आपको क्वेश्चन लेंदी लेंदी दिखेंगे, बड़े बड़े दिखेंगे और उसमें कहीं ना कहीं डेटा बहुत सारा दिया होगा। तो यहाँ पे तो खैर ऐसा ही है, यहाँ पे तीन वेक्टर्स के बारे में अलग अलग डेटा दिया और पूछा कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ, हटा दूं, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देख लो एक बार, थोड़ा सा इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि ए, एक तो डेटा दिया a.b 0 है पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन बोला गया कि b - a.b + c = 0, ये सेकेंड इक्वेशन, एंड थर्ड इक्वेशन ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b + c = b - a। ये तीन इक्वेशन, ये तीन गिवन डेटा है, और जो एक और डेटा गिवन है वो ये है कि a वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स b वेक्टर प्लस 4 times c वेक्टर, ठीक है, ये मुझे गिवन है। अब मुझे निकालना म्यू है, ठीक है, क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो a डॉट b गिवन है, ये एक गिवन है, सबसे क्या करें बताओ फटाफट, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी गुड, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या, तो b डॉट b, b स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, फिर यहाँ से कितना आएगा प्लस b डॉट c,
फिर यहाँ से आएगा माइनस ए डॉट बी, चेक कर लेना कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना, फिर माइनस ए डॉट सी, ये तीन चीज आ जाएगी इक्वल टू जीरो। पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, ए डॉट बी, ए डॉट बी जीरो गिवन है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी, एक रिलेशन ये आ गया, ये पहली इक्वेशन को सॉल्व करने पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इससे तो ये बन गया, इसको फिर यही रखते हैं, अभी देखते हैं इसका क्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, स्क्वेयरिंग कर लेते दोनों। वेरी गुड, आपको पता है ये मैग्नीट्यूड जब भी आता है हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। जैसे इसका स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे आ जाएगा फोर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, डायरेक्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी आ जाएगा। यस सर, अब तो डायरेक्ट लिख दो, आपको पता ही दो तीन बार कर रखा है। और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी है ना। यस सर, ठीक है, ए डॉट बी जीरो गिवन है तो ये तो जीरो में चला जाएगा। यहाँ से भी एक रिलेशन आएगा तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या आएगा यहाँ से देखो एक बार, फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी स्क्वायर प्लस एट बी डॉट सी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चेक कर लेना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास बी डॉट सी में रिलेशन आ जाएगा, इन सबको उधर भेज रहा हूं मैं, तो एट टाइम्स बी डॉट सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर का टर्म है, ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस थ्री बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बनी। सेकेंड रिलेशन से ये डेटा आया मेरे पास, ठीक है, यहां से मेरे पास बी ए डॉट सी बी डॉट सी और बी डॉट सी, इस तरह के तीन रिलेशन आए, क्या ये समझ में आया यहां तक, आया ना। अब मेरे पास ये इधर लिख रहा था लास्ट में, हाँ, अब ये डेटा मेरे पास गिवन है, इसका अब कैसे यूज करूं मैं, क्योंकि मुझे लाना म्यू है, अब इसको सॉल्व करना है आगे। ये जो दो गिवन डेटा थे और ये जो डेटा था, इन तीनों की मदद से मेरे पास ये दो इक्वेशन आई है, यहाँ पे ए डॉट सी आया है और यहाँ पे बी डॉट सी आया है, बी डॉट सी की यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ से ए डॉट सी भी आ जाएगा। हाँ बोलो सर, जो ए इक्वल टू म्यू बी प्लस फोर सी है उसको बी से डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। हाँ वही है, अल्टीमेटली देखो आपको वेरी गुड यही रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, बी डॉट सी गिवन है और यहाँ पे आपके पास गिवन है ए डॉट सी, इनकी वैल्यू देखो, इसको सिंपलीफाई करना अल्टीमेटली कैसे भी करके, या तो पूरे को सर बी डॉट सी की जगह हम लिख लेते हैं ना बी स्क्वायर, हाँ यहाँ पे लिख देना बी डॉट सी की जगह लिख देना, तो यहाँ से ए डॉट सी आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो निकाल लोगे आप, ठीक है। तो मुझे इस डेटा को यूज करना है, तो यहाँ पे आप चाहो तो जैसे यहाँ पे देखो दोनों के साथ क्या है, ए डॉट सी और यहाँ पे बी डॉट सी, ए डॉट सी और यहाँ पे क्या है बी डॉट सी, तो यहाँ पे कहीं से डॉट लें बताओ, सी से डॉट ले लेते हैं, सी से, तो सी से डॉट लोगे तो ए से, ठीक है दोनों से लेके देख लो एक बार, मान लो बी से डॉट लो एक बार सी से डॉट ले लो जिससे आंसर बने, एक बार बी से लेके देख लेते हैं, तो बी से अगर डॉट लोगे तो ए डॉट बी इक्वल टू म्यू इंटू बी स्क्वायर प्लस फोर बी डॉट सी, तो ए डॉट बी तो जीरो है, जीरो इक्वल टू म्यू इंटू बी स्क्वायर प्लस फोर बी डॉट सी, तो यहां से आप बी डॉट सी रख सकते हो, ये वैल्यू कहेंगे बी डॉट सी, ये तो यहां से तो ए बी सी स्क्वायर में एक रिलेशन आएगा, लेकिन वहां से बनेगा नहीं। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लो ए के साथ देखो यहाँ पे अगर अपन ने बी डॉट सी की वैल्यू रखी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में रिलेशन आएगा, इसमें रिलेशन आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में, मैं चाह रहा हूँ कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए ताकि डायरेक्ट म्यू आ जाए, किसी एक में कन्वर्ट हो जाए, तो किसी एक में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ और कर सकते हैं क्या, देखो चेक करो और क्या करेंगे, मान लो ए के साथ डॉट लें एक बार, ए के साथ लेके देखते हैं, यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा हमारा, अगर ए के साथ तीनों के साथ एक एक बार लेके देखते हैं, ए के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए डॉट बी आया ना। यस सर, प्लस फोर ए डॉट सी, अच्छा ए डॉट बी तो जीरो है, तो यहां से आपके पास ए डॉट सी की वैल्यू आ रही है, देखो ध्यान से ए स्क्वायर बाय फोर, ये क्लियर हुआ, यस सर, ए डॉट सी आ गया, चलो एक बार पहले कितने बी से लिया था ना, आप सी से लेके देखते हैं, ए से ले लिया बी से ले लिया तो आप सी से लेके देखो, सी से जब डॉट लोगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी इक्वल टू म्यू बी डॉट सी प्लस फोर सी स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, यस सर। ए डॉट सी की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं ए स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू म्यू
बी डॉट सी, बी डॉट सी अगेन एबीसी के टर्म्स में आएगा, ये भी एबीसी के टर्म्स में आएगा, यहाँ से भी हमारे पास एबीसी की टर्म्स में आ रहा है, और यहाँ पे एक बार बी से डॉट लिया तो वो भी एक कितना रहा, तो वो भी लिख लेते हैं, जब बी के साथ डॉट लोगे तो बी के साथ जब डॉट लोगे तो ए डॉट बी तो इधर हो तो जीरो आ जाएगा, इधर क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस फोर बी डॉट सी, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा बी डॉट सी में, बी डॉट सी से यहाँ से हम डायरेक्ट बी डॉट सी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से माइनस बी बाय फोर, म्यू भी तो आएगा यहाँ पे, हाँ म्यू भी आएगा के साथ, ठीक है म्यू बी स्क्वायर बाय फोर, अब सही है यहाँ तक सही है ना, ठीक है तो म्यू बी स्क्वायर बाय फोर आ रहा है तो यहाँ पे तो रख सकते हो, लेकिन ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को भी एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करोगे सर, मैचिंग में ऑप्शंस नहीं आते हमारे पास, कौन से ऑप्शन सर जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो है ना, पी क्यू आर एस सी तो चार ऑप्शन दिए तो हैं, पी क्यू आर एस टी सर, मतलब वैसे ऑप्शन मैचिंग करने वाले, ये मैच तो कॉलम नहीं ऐसे ही है, अच्छा वो कह रहे हो आपके, हाँ वो दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया हुआ है, और पहले एक्चुअली पहले एक्चुअली ये भी आते थे 2010 में था ना ये पेपर, तो वहां पे ओएमआर शीट आती थी, तो ओएमआर शीट में वो सर्कल करना रहता, तो वहां पे मैच तो कॉलम का सर्कल करना रहता था, ओके सर, हाँ ये 2010 की बात है, तब तो आपका ऑफलाइन पेपर होता था ना, तो ऑफलाइन पेपर में ओएमआर शीट आती थी, उस समय मैच तो कॉलम ही होता था, खैर छोड़ो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या किसी को, देखो बी डॉट सी की वैल्यू आ गई, ए डॉट सी की वैल्यू भी आ गई, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ रख सकते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर मैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट सी कितना आया था ए स्क्वायर बाय फोर, और बी डॉट सी कितना आया था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस म्यू बी स्क्वायर बाय फोर, क्लियर है आया ना सर, आपने बी डॉट सी कहां से निकाला है, बी डॉट सी इस इक्वेशन को बी से डॉट कर दिया, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसको बी के साथ डॉट कर दिया, देखो यहाँ पे नीचे अरे नहीं आ रहा क्या समझ में, सर आ रहा है कंसंट्रेट होके बस देखते जाओ, नहीं कंसंट्रेशन रखोगे तो सब फिर वापस बोलोगे शुरू से पढ़ो, तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर अब कैसे भी करके अगर ए स्क्वायर को बी स्क्वायर के टर्म्स में लिख दो तो पूरा काम हो जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा म्यू आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिलेशन देखो कहीं से दिख रहा है क्या, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिलेशन लाने के लिए आपको सी स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, आया ना, यस सर, ठीक है तो कैसे भी करके मुझे लाना ए स्क्वायर बी स्क्वायर में रिलेशन, ठीक है तो देखो एक इक्वेशन तो मेरे पास यहाँ पे थी कहाँ पे गई, ए के साथ जब डॉट लिया तो ये आ गया था ए डॉट सी आ गया, ए डॉट सी का यहाँ पे मैंने यूज कर लिया ऑलरेडी, ठीक है फिर सी के साथ डॉट लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया था म्यू बी डॉट सी, ये आया था ना शायद, हाँ प्लस फोर सी स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो यहाँ से देखो एक रिलेशन यहाँ से आएगा, एक रिलेशन यहाँ से आएगा, दो दो इक्वेशन जो बनेगी हमारी, और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से समझ में आ रहा करना क्या है, ये इक्वेशन मतलब देखो ध्यान से, ये जो गिवन इक्वेशन थी एक बार इसका सी के साथ डॉट लिया, एक बार बी के साथ डॉट लिया, इन इन दोनों इक्वेशन को इसके साथ कंबाइन करके वहां से सी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है सी स्क्वायर को एलिमिनेट करके ए और बी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिलेशन लाना है, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखनी है, हो सकता है म्यू के टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखनी बी स्क्वायर के टर्म्स में, और जैसे बी स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ पे वैल्यू रखोगे आपका म्यू आ जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, यस सर, ठीक है अब मैनिपुलेशन आप कर लेना, अल्टीमेटली देखो मैंने आप फाइनल रिलेशन तो यहाँ पे एक लेके आ गया हूँ, बस आपका आप काम क्या है कि इस जो गिवन डेटा है इसको आप एक बार सी के साथ डॉट लेना, बी डॉट सी की जो वैल्यू यहाँ से पुट अप कर देना, एक बार किसके साथ लोगे ए के साथ बी के साथ डॉट, अगेन बी डॉट सी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना, उन दोनों इक्वेशन से सी स्क्वायर को एलिमिनेट कर देना, किसको एलिमिनेट करना सी स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिलेशन आ जाएगा, फिर वो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देना, आगे समझ में, बोलो ठीक आप कर लेना सॉल्व, कर लोगे सॉल्व सर, ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से लिखनी है, यही तो बोला मैंने, इस इक्वेशन को बी सी के साथ डॉट लो, बी के साथ डॉट लो, आ रहा है समझ में, ठीक है, और यहाँ से जो बी डॉट सी की वैल्यू है वो पुट अप कर देना, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में दो रिलेशन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे,
यस सर सॉल्व करके देखो, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं, पूरा सॉल्व करेंगे तो लेक्चर इसी में चला जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा खुद से घर पे मेहनत करो। पूरा बता दिया मैंने पूरा आपको, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में रिलेशन आएगा, सी स्क्वायर को वहां से एलिमिनेट कर देना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक रिलेशन आएगा, वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट अप करना, कर लेना खुद से। यस सर कर लेंगे। फटाफट बढ़ो आगे, तीन दो क्वेश्चन हुए अभी तक, कंसंट्रेट होकर सुना करो, बार बार रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। ये फटाफट देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर टू, सर एक बार डी वाला पार्ट बता देंगे, डी वाला बाद में करें बेटा इंटीग्रेशन, पहले अभी ये फटाफट ये निपटाओ। क्वेश्चन नंबर टू देखो, अ पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग क्यू एंड आर, ये हो गया था कि डाउट है, पढ़ लो एक बार सब लोग। द पॉइंट पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग क्यू एंड आर विद द प्लेन दिस, तो क्या बोला गया, पॉइंट पी ए जो इंटरसेक्शन है लाइन का और प्लेन का, एक लाइन है जो क्यू और आर से पास कर रही है और एक प्लेन जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है, और इस प्लेन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट पी, ठीक है। एस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी टू क्यू आर, एस इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टू क्यू आर, मतलब एस से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट क्यू फ्रॉम पॉइंट टी, देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट पी एस, हो गया था क्या सॉल्व, आसानी है। सर आंसर मैच नहीं कर रहा था, क्या हुआ आंसर मैच नहीं कर रहा था इसमें, तरीका एक बार देख लो फटाफट, क्यू और आर से लाइन क्यू आर की इक्वेशन लिख दोगे सबसे पहले, यस सर, क्यू आर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन पता ही है, प्लेन की इक्वेशन और क्यू आर की लाइन को साथ में सॉल्व करोगे तो पॉइंट पी आ जाएगा, आया ना, यस सर, पॉइंट पी पता चल गया, चलो पॉइंट पी आ गया। अब एस निकालने के लिए एस के बारे में क्या बोला कि क्यू टी से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो एक कोई लाइन जिसकी इक्वेशन हमें पता है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, तो यहाँ पे पॉइंट है टी, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि है एस, अब एस का कोऑर्डिनेट निकालना, तो एस कैसे निकालेंगे, पहले लैम्डा के टर्म्स में मान लेंगे, लैम्डा के टर्म्स में इस पॉइंट एस को अज्यूम कर लेना, ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता ही है, तो लैम्डा के टर्म्स में एस का पॉइंट आ जाएगा, किसके टर्म्स में आएगा, लैम्डा के टर्म्स में। अब ये इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो, ये वेक्टर और लाइन का पैरेलल वेक्टर, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, यस सर, बी डॉट एस पी जीरो कर देना, तो वहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा मतलब पॉइंट एस आ गया, एस पता है पी पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, तरीका यही है बेटा, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, यस सर, ठीक है, बाकी तरीका सॉल्व करने का तरीका यही होगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी से, एनीवन एल्स, नो सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अगला क्या है, ये वाला बी और सी पार्ट देख लो, पार्ट बी, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दिस, बताओ इसमें क्या तरीका अपनाया होगा, ये प्लेन है पी वन, ये प्लेन है पी टू, ऐसे प्लेन की इक्वेशन जो इन दोनों से पास कर रहा है और इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस पे, जल्दी बता दो, पहले पी थ्री पी वन प्लस लैम्डा पी टू की फॉर्म में, वेरी गुड, प्लेन पी वन प्लस लैम्डा पी टू इक्वल टू जीरो लिख दिया, हमेशा आपको मैंने बताया हुआ है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन फैमिली ऑफ प्लेन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक ही अननोन रहेगा लैम्डा, तो पहले प्लेन पी जो कि पी वन और पी टू से पास कर रहा है, पी वन और पी टू से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन आप लिख दोगे पी वन प्लस लैम्डा पी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है, वेरी गुड, इसके बाद लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन गिवन है, हेलो यस सर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेट कर देना, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो प्लेन पी की इक्वेशन आ जाएगी, किसी को डाउट है क्या, नो सर, ठीक है, सी पार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे तो तुमने मेंस में भी किए हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन था, इफ द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, क्या बोला है, देन द प्लेन कंटेनिंग, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर देन द प्लेन Containing these two line, ठीक है, तो पहले तो coplanar है तो k निकाल लोगे, coplanar की condition apply कर दोगे, yes sir, yes coplanar है तो shortest distance उनके बीच में zero होगा, shortest distance का वो formula जो determinant equal to क्या कर देना zero, तो वहाँ से k आ जाएगा, क्या आ जाएगा k, clear है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो वो कोप्लेनरिटी की ऐसी कंडीशन अप्लाई कर देना, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल टू 0, तो यहां से k आ जाएगा, k मतलब k आ जाएगा तो मतलब आपको दोनों लाइन की इक्वेशन पता चल गई। अब ये दोनों लाइन प्लेन के अंदर लाई कर रही है, राइट आया ना सर, दोनों के दोनों लाइन प्लेन के अंदर लाई कर रही है। अब इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको अभी मैंने बताया दो लाइन अगर प्लेन के अंदर लाइन करती है आप इक्वेशन निकाल सकते हो, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा b1 क्रॉस b2, पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है? यस सर। ओके चलो आसान था ये। नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाफट। परपेंडिकुलर ड्रॉन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, देन द फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किया आप लोगों ने सर? यस मैं डाउट सर। हां ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। सब लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ध्यान से, इसको सॉल्व करवाना और इसके आने के चांसेस है। ये बहुत टाइम, ये थोड़ा क्वेश्चन भी अलग है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चन आ सकता है। सब लोग क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, ये वाला। परपेंडिकुलर आर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन दिस टू द प्लेन दिस, देन द फिट ऑफ परपेंडिकुलर किस लाइन पे लाई करेंगे, ऑप्शन में से ये पूछा, ठीक है? पढ़ लिया सबने? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ वापिस से। एक लाइन गिवन है और एक प्लेन गिवन है, प्लेन बना देता हूं, ये प्लेन है, मान लो ये लाइन है, ये प्लेन है। अब इस लाइन से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, क्या ड्रॉप कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। इस लाइन के हर पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जा रहे हैं, तो उन परपेंडिकुलर जितने भी परपेंडिकुलर है उनका जो फिट फिट वो निकालना है आपको, कि ये सारे परपेंडिकुलर किस लाइन पे लाई करेंगे उसकी इक्वेशन निकालना। प्रोजेक्शन भी हो गया कि ये बेसिकली इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन है, ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो आप। ये जो लाइन है इस लाइन का इस प्लेन पे क्या है, प्रोजेक्शन है। ये कहां गया है, ठीक है, ये इस लाइन का इस प्लेन पे प्रोजेक्शन। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्यों था मालूम, -2 -1 और 0, तो एक कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उसको मान लो यहाँ मान लिया -2 -1 और 0, तो इससे इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट तो आ ही जाएगा, ये मान लो पी है, ये सर अब तो हो गया। ना सुनो, अब होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे लाइन और प्लेन का, और जो लाइन बनेगी इंटरसेक्शन पॉइंट की और क्यू की, वो ही लाइन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये तो निकल जाएगा क्यू, लेकिन दिक्कत अभी भी आएगी, सुनो ध्यान से सर, अज्यूम करना पड़ेगा मेरे बाद में। नहीं सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुनो एक मिनट। ये जो पी है, इस पी से इस पे क्यू निकाल लोगे, ये आता है सबको निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सर, ये सर ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ सर? लाइन की पी की लाइन की नॉर्मल मुझे पता ही है, सुन लो ध्यान से, नॉर्मल पता ही है, पॉइंट पी पता है, पी क्यू लाइन की इक्वेशन निकालोगे, क्यू लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करोगे, लैम्डा सेटिस्फाई करोगे तो क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? क्यू। लेकिन जब क्यू आएगा ना, क्यू मतलब आपका पॉइंट, वो पॉइंट आएगा आपका 0, 1, 2 आएगा। अब देखो चार ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये तो पॉइंट क्यू आएगा, ये आएगा 0, 1, 2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे निकालोगे पॉइंट क्यू आ जाएगा। इसमें देखो चार ऑप्शन में क्यू आ रहा है, क्लियर है, आया ना? यस सर। अब सर, अब बचे मेरे पास क्या, ये पॉइंट्स, मतलब उस जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कलेक्शन उसके पैरेलल वेक्टर अलग अलग है, उसके पैरेलल वेक्टर क्या है, अलग अलग, पॉइंट तो सबका सेम आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, अल्टीमेटली मुझे उसके पैरेलल वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी? यस सर। देखो अब एक और तरीका क्या अपनाया एक ने, कि अच्छा ठीक है एक तरीका ये समझ में आ गया। अब ऑप्शन से अगर जाना हो तो ऑप्शन से एक बार वो कैसे जा सकते हैं, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और जो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा, क्या उनमें डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा? यस सर। ऑप्शन से अगर जाना होता तो अपन एक तरीका और क्या अपना सकते थे, इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर, जो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका जो पैरेलल वेक्टर होगा वो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, क्या उनमें डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, है ना? यस सर। अब देखो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बताओ क्या है, आई के प्लस जे के, आई के प्लस जे के प्लस के के, 1, 1, 1 है ना, बोलो? यस सर। यस सर। देखो वापिस चार ऑप्शन चेक करोगे, सब में डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है,
यस सर सब में क्या क्या रहा डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब अभी भी काम नहीं बना तो अल्टीमेटली मुझे कैसे भी करके अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस पे एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा इस लाइन क्योंकि पैरेलल वेक्टर से भी काम नहीं हो रहा है मतलब एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा एक पॉइंट क्यू तो निकाल लिया एक और पॉइंट कैसे निकालो इस लाइन के ऊपर अब ये दिमाग लगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस इसी में था कि क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन होता तो हो सकता है यहीं पे क्यू से काम बन जाता या फिर डॉट प्रोडक्ट से काम बन जाता पर एडवांस में आया था तो यहाँ पे ना क्यू से बन रहा है और ना डॉट प्रोडक्ट क्योंकि चार ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मुझे इस लाइन पे एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा तो कैसे निकाला जाए इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद प्लेन हाँ इस लाइन का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन निकाल दो वेरी गुड इस लाइन का देखो इस लाइन को अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने इस लाइन को अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे ठीक है मान लो एक्सटेंड किया कहीं ना कहीं ये प्लेन को मीट करेगी कहीं ना कहीं इस प्लेन को मीट करेगी और इस वाली लाइन को भी हेलो आ रहा है समझ में यस सर तो जब सारी इस... लाइन पैरेलल नहीं जा सकती प्लेन के हैं वाली लाइन प्लेन पैर... के पैरेलल नहीं पैरेलल होती तो डायरेक्ट आंसर आ जाता पैरेलल दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम होते ना ऑप्शन देख रहे हो पैरेलल वेक्टर सब अलग-अलग है ओके सर हाँ, तो ये दोनों देखो तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जाओगे कहीं ना कहीं अगर जब ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को वहां पे तो ये पॉइंट दोनों एक दूसरे पे लाई करेगा yes, sir. ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा दोनों लाइन पे लाई करेगा तो बेसिकली आपको क्या निकालना इस लाइन का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है लाइन का प्लेन के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकाल लोगे आप है ना यस सर इस लाइन की इक्वेशन पता है इस प्लेन की इक्वेशन पता है इस लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आर निकाल जाओगे अब आर पता है क्यू पता है अब आपके पास पैरेलल वेक्टर आ जाएगा क्या समझ में आया यस सर तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर मान लो आप ये निकालना है आपको आगे से अगर प्रोजेक्शन भी निकालना तो ये तरीका अपना सकते हो क्यू पता है लाइन का पॉइंट के साथ इंटरसेक्शन निकालो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा पैरेलल वेक्टर पता है पॉइंट पता है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी क्लियर है यस सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए लाइन की इक्वेशन को प्लेन की इक्वेशन से सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा हां वही करो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट मानना इसको इसमें सेटिस्फाई करना लैम्डा आ जाएगा ओके सर ये समझ में आ गया क्वेश्चन सबको अच्छा क्वेश्चन है ठीक है एक बार और घर पे ट्राई कर लें चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट यार फोर दिख रहा है सबको यस सर और फोर भी अच्छा है बोला कि अ लाइन एल पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू लाइन एल1 एंड एल2 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एल2 एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड एल1 इज करा था के सॉल्व तो ऑप्शंस मैच नहीं करते इतने भी अच्छा ठीक है बाकी लोगों ने ट्राई किया था आधा हुआ था नहीं हुआ था ठीक करते सॉल्व इसको कितने बच्चे आज 13 ही आए ठीक है चलो अच्छा क्वेश्चन है एक सेकंड तो देखो पहले तो डायग्राम बनाओ इसका सब लोग क्वेश्चन पढ़ के मैं इसको तब तक थोड़ा सा मिनिमाइज अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को पहले तो यहाँ पे देखो दो लाइन आपको इस फॉर्मेट में गिवन है तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के टर्म्स ठीक है तो एल वन की इक्वेशन आपको पता है एल टू की इक्वेशन पता है ठीक है इसमें से t वाले टर्म्स अलग कर देना ij के टर्म्स अलग कर देना तो a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर के टर्म्स में इसको लिख देना किसके टर्म्स में a प्लस लैम्डा b के टर्म्स में मतलब दो लाइन के ऊपर आपको दोनों लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है पैरेलल वेक्टर पता है दूसरी लाइन पे भी पॉइंट पता है पैरेलल वेक्टर पता है क्या ये समझ में आ रहा है यस सर ठीक है सबसे पहले तो l1 और l2 सब ये काम कर लेना खुद से और दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है अब बोला कि अ लाइन l पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू l1 एंड l2 जो मेरी लाइन L है वो L1 और L2 के क्या है परपेंडिकुलर है L1 और L2 के क्या है परपेंडिकुलर है और ओरिजिन से पास कर रही है कहां से पास कर रही है ओरिजिन से तो अगर मुझे अपनी गिवन लाइन की इक्वेशन निकालना है
तो क्या मैं गिवन लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ एल की? बताओ, इसे डॉट प्रोडक्ट करें? नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं, लाइन की अगर इक्वेशन निकालने तो पॉइंट चाहिए और पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पॉइंट तो है मेरे पास, ऐसा सोचा करो हमेशा। लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो कंडीशन चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पॉइंट तो पता है ओरिजिन, पैरेलल वेक्टर क्या होगा जो इन दोनों गिवन वेक्टर b1 × b2। डॉट प्रोडक्ट थोड़ी लगाओगे, परपेंडिकुलर दिया, डॉट प्रोडक्ट से कंडीशन थोड़ी अप्लाई करनी, मुझे वेक्टर निकालना है, पैरेलल वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर, तो b1 और b2 के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? b1 × b2 होगा, है ना? ठीक है, तो आपको पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर आपने निकाल लिया b1 × b2 से, तो आपको बस लाइन एल की इक्वेशन आ गई। मतलब आपने कैसे भी करके लाइन एल की भी इक्वेशन निकाल ली। एल की इक्वेशन कैसे निकाली? पॉइंट 0, 0 माना, और पैरेलल वेक्टर क्या होगा? b1 × b2, क्योंकि दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसा वेक्टर b1 × b2 होगा। तो लाइन एल की इक्वेशन पता है, अब l1 की इक्वेशन पता है, एल की इक्वेशन पता है, l2 की इक्वेशन पता है। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या बोला है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l2, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन l2, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ √17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ l एंड l1। तो आपको l और l1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा पहले। Yes, sir. दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो, चलो एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा, से लैम्डा के टर्म्स और म्यू के टर्म्स में मान लो, जैसे x माइनस, कोई भी एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, x − 2/2, x − 3/1 = y + 4/7, एक इक्वेशन ही गिवन है, x − 1/2, y − 2/3 = z − 2/1। ठीक है, दो लाइन गिवन, तो दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है? फटाफट सुन लो, जिसको याद नहीं है, यहाँ पे इसको लैम्डा मानना, इसको म्यू मानना, क्लियर है? यहाँ से आपका एक्स वाई जेड लैम्डा के टर्म्स में आएगा सर, और यहाँ से आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू म्यू के टर्म्स में आएगी। ठीक है, और दोनों पॉइंट सेम है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों पॉइंट क्या सेम, तो इन दोनों को इक्वेट कर देना, किसी भी दो इक्वेशन को इक्वेट कर देना, वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा और म्यू आ जाएगा, दोनों लैम्डा और म्यू से सेम एक ही पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा? एक ही पॉइंट आएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। क्लियर है ना? दोनों लाइन को साथ में सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास वो पॉइंट तो आ गया, कौन सा पॉइंट? L1 और L2 का इंटरसेक्शन, तो वो पॉइंट मान लो P। P क्या है? लाइन L और L1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आया ना? बोलो। ठीक है, अब उसके बारे में बोला कि वो L2 से इसका डिस्टेंस कितना है? √17। L2 से इसका डिस्टेंस कितना है? अ पॉइंट ऑन, हाँ, L2 पे कोई पॉइंट लेना है, L2 पे कोई पॉइंट अज्यूम कर लोगे लैम्डा के टर्म्स में? बोलो। हाय, हेलो सर। ठीक है, L2 पे कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लेना लैम्डा के टर्म्स में, वो बोला कि जो L2 और P के बीच में डिस्टेंस है वो √17 है, तो वहां से आपके पास पॉइंट S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉइंट S। ठीक है, आसान क्वेश्चन, क्लियर है? नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। यस सर, सर आ गया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आए पूछ लेना। फिफ्थ वाला हो जाएगा ना सर? हो गया, वन और फोर आ गए। हाँ, यहाँ पे बोला दो लाइन स्कोप लेनर है, तो स्कोप लेनर की कंडीशन, ये तो जीई मेंस में भी बहुत बार आया, दो लाइन अगर स्कोप लेनर होती है तो उनकी स्कोप लेनर की कंडीशन a2 − a1 · b1 × b2 = 0, रट लेना है, याद नहीं हो तो। अच्छा, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में गिवन है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? सॉरी, लाइन की इक्वेशन सर, x − 5/0। हाँ, वेरी गुड, इसको 5 को इधर लिख देना, x − 5/0 = 5 − 0। ठीक है, और z − 0/-2। तो इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा 5, 0, 0, और पैरेलल वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या होंगे? 0, 3 − α और −2। क्लियर है? ये a1 वेक्टर, ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, आ गया समझ में? और सेम यहाँ से भी a2 और b2 निकाल लेना, और उसको यहाँ पुट अप कर देना, आपके पास अल्फा आ जाए। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, 2000 देखो एडवांस में आया था ऐसा, कोप्लेनर पे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसके पहले आपने देखा था, और सेकंड क्वेश्चन ही आ गया था, बस यहाँ पे लाइन की इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कोप्लेनर की कंडीशन में अप्लाई करना, आंसर निकल। तो देखो, ये मार्क्स ऐसे क्वेश्चन में आप अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने आपको कहा था पेपर की सेटिंग ऐसी होती है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन इजी मीडियम भी आएंगे, तो इजी मीडियम वाले ऐसे क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना, ये भी इजी था, ये भी क्वेश्चन इजी था, और इसके पहले वाला भी इजी था। क्लियर है? हेलो, आया ना?
थ्री डी के क्वेश्चन आप जनरली देखोगे ना, दो से तीन क्वेश्चन आ ही रहे अगर उसमें इजी क्वेश्चन बनते हैं आराम से, क्योंकि थ्री डी में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। डायग्राम बनाओ, जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अप्लाई करो और आंसर निकल जाए, बस विजुअलाइज अच्छे से करना है आपको। आज की क्लास में हमने दो तीन कॉन्सेप्ट और सीखे हैं, परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, पैरेलल वेक्टर, एक प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो लाइन, एक पॉइंट चाहिए, पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो सारे बस इतने से ही कॉन्सेप्ट, ज्यादा है नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। तो ये चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके ही जाना, ठीक है? अपने तीन दिन इसलिए दिए थे कि कल मैं ले नहीं पाया, आज वो ट्राई करूंगा शाम को अगर ले पाया तो, ठीक है? ये देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सिक्स पढ़ लो एक बार। कंसीडर द लाइन L1 एंड L2 इन द पॉइंट प्लेन P1 एंड P2, ठीक है? क्या बोला गया है? कोई प्लेन जो कि पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 एंड L2 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन P1 एंड P2, तो उस प्लेन की इक्वेशन बताओ। एक ऐसा प्लेन जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और P1 और P2 के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालने। देखो वापस से छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी किसी प्लेन की अगर इक्वेशन निकालनी हो तो कितनी कंडीशन चाहिए बोलो? दो कंडीशन, एक तो पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखा तो गलतियां नहीं होगी। पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या आती है बताओ? बोलो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। हाँ, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अगर पॉइंट पता है, परपेंडिकुलर वेक्टर पता है, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो बेसिक कंडीशन है। सबसे पहले जो इक्वेशन डिराइव कर रही थी आपको मैंने, कि कभी भी कोई प्लेन की इक्वेशन लिखना है, पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू जीरो। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए दो कंडीशन चाहिए। कितनी कंडीशन चाहिए? दो, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। अब बोला क्या गया कि जो प्लेन है वो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करता है, P1 और P2 के परपेंडिकुलर है। हाँ, अब बताओ कैसे करोगे, पॉइंट कैसे निकालोगे? सर इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा लैम्डा और म्यू मान के, और L1 और L2 को साथ में सॉल्व करना है। देखो वापस से इन्होंने साथ में सॉल्व करवाया, अभी पिछली बार भी सॉल्व करवाया था L1 L2 को, यहाँ पे दो लाइन को वापस आप L1 L2 को सॉल्व कराओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। बट इसमें ना पहले हमें नॉर्मल वेक्टर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि फिर एबीसी निकल जाएंगे हमारे जल्दी। हाँ, वो भी कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास कोएफिशिएंट एबीसी है, अगर है तो आप एबीसी के वही कंपेयर ही करना, कंपेयर ही करना रहेगा। तो सारा था आंसर? हाँ सर, उसका ए आ गया था। अच्छा, ए आ गया था, ठीक है। ए से भी आपके दो ऑप्शन आएंगे, या तो ए या तो सी, ठीक है, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे? सर पी वन क्रॉस पी टू कर लेंगे। हाँ, क्या सही बताया? यस, क्या बोला इसने? मेरा वो जो प्लेन है वो पी वन और पी टू के परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है मान लो पी वन, एक और प्लेन पी टू बना देता हूँ, यहीं पे होगा मान लो, और जो मेरा गिवन प्लेन है वो पी वन और पी टू दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर बोलो? दोनों के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करोगे तो देखो, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इसका नॉर्मल वेक्टर ये है, मतलब जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, सॉरी, और दोनों के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो मेरा जो प्लेन है वो पी वन के परपेंडिकुलर, ध्यान सुनना, मेरा प्लेन जो है वो पी वन के परपेंडिकुलर है, तो पी वन का नॉर्मल और मेरा जो गिवन प्लेन है क्या वो पैरेलल होंगे? वापिस समझाता हूँ, देखो तुम सुनो ध्यान से। एक एक करके समझा समझ लो, जैसे ये प्लेन P1 और ये प्लेन P और ये प्लेन P1, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो प्लेन P1 का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या मेरे गिवन प्लेन के पैरेलल होगा? हाँ, है ना? यस सर, ठीक है। और जो सेम ऐसे में प्लेन P2 का, P2 भी P के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो P2 का नॉर्मल वेक्टर मेरे अगेन गिवन प्लेन के साथ पैरेलल होगा। यस सर। तो मेरे पास क्या आ गया? प्लेन जो मेरा गिवन प्लेन है P, जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है, सॉरी प्लेन P, उसके दो पैरेलल वेक्टर मेरे पास आ गए। मतलब उस प्लेन के अंदर जो पैरेलल, उस प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर आ गए, उस प्लेन के पैरेलल दो वेक्टर आ गए, B1 और B2। क्लियर? यस सर। अब B1 क्रॉस B2 करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा।
ठीक है, तो दोनों प्लेन की, दोनों गिवन प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, एन वन क्रॉस एन टू कर देना, एन वन क्रॉस एन टू से नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, वहीं से आपका कोएफिशिएंट ए बी सी एक बार देख लेना ऑप्शन से मैच कर रहे कि नहीं, क्लियर है? यस सर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए डाउट हो तो पूछ लेना किसी को भी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पढ़ लो एक बार। फ्रॉम अ पॉइंट पी परपेंडिकुलर्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन रेस्पेक्टिवली ऑन द लाइन दिस एंड दिस, इफ पी इज सच दैट एंगल क्यू पी आर, एंगल पी 90 डिग्री है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। फ्रॉम पॉइंट पी परपेंडिकुलर्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन, एक पॉइंट पी से दो गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, ठीक है, और एंगल पी आपको 90 डिग्री दिया हुआ, तो बेसिकली क्या कंडीशन गिवन है आपको, समझ पा रहे हो क्या? डायग्राम बनाया था, डायग्राम बनाया था कि इसका एक नॉर्मल अगर छोटा सा डायग्राम बनाऊं मैं तो देखो, यस ठीक है, तो इसको अपन नाम दे देते हैं, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है मान लो आर, और एंगल, ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, एक कंडीशन तो ये है। क्या बोला गया है? फ्रॉम पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट से लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा perpendiculars PQ and PR are drawn on the lines this, दो लाइन पे perpendicular drop किए गए, दो लाइन पे मान लो एक लाइन ये हो गई कहीं होगी, मान लो यहाँ पे एक लाइन बना, दूसरी लाइन यहाँ पे कहीं बना दी, ठीक है, इस पे perpendicular drop किए गए दोनों लाइन L1 और L2 पे, Q और R पे, और एंगल PQR भी कितना है, QPR भी कितना है 90 डिग्री, और अच्छा ये लाइन जो गिवन है ये अच्छे फॉर्मेट में गिवन है, पहले तो इसको मुझे कन्वर्ट करके दिखाओ, x equal to y equal to z equal to 1, तो इस लाइन का आपको ये मुझे बताओ कि क्या होगा नॉर्मल फॉर्म, x upon 1 equal to y upon 1 equal to z minus 1 upon 0। हाँ देखो यहाँ पे सब लोग सुन लो ध्यान से, सही बताया आपने, y equal to x equal to z, y equal to x दिया हुआ है और z equal to 1 दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको लाइन की इक्वेशन आ सकती है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, ठीक है, x equal to y equal to m, x इक्वल टू वाई दिया और जेड इक्वल टू कितना दिया 1, तो देखो यहाँ से, इस यहाँ से तो क्या आ जाएगा, जेड माइनस वन आ जाएगा, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड माइनस वन अपॉन जीरो, यहाँ से क्या आएगा, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम है, x अपॉन वन वाई अपॉन वन, क्लियर है? यस सर। तो ऐसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी ये दूसरे क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन सिंपल होगा लेकिन आपको ये फॉर्मेट दे देंगे, यहाँ पे बताओ क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स है माइनस एक्स अपॉन वन वाई अपॉन वन इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जीरो, अब इसको माइनस एक्स को नीचे भेज देना, तो एक्स अपॉन माइनस वन इक्वल टू वाई अपॉन वन इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जीरो, क्या समझ में आया? यस सर, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना? अब बताओ क्या क्या कंडीशन लैम्डा के लिए क्या क्या सोल्व करेंगे, एल वन और एल टू की इक्वेशन तो मैंने निकाल ली, L1 और L2 की इक्वेशन निकालनी, मैंने आप कंडीशन कैसे अप्लाई करूं बताओ सर? कोई ना पॉइंट, पहले लाइन पे कोई पॉइंट मान लेंगे, जो वो गए P, जैसे मान लो P रेशो P मान लिया इनका, कोई कौन सी लाइन पे, L1 और L2 पे आपने मान लो चलो एक पॉइंट मान लिया, यहां पे भी कोई पॉइंट आ गया, हां इसका रेशो अपन S मान लेते हैं, हां सर इसका रेशो हां T मान लेते हैं, तो यहां पे S के टर्म्स में पॉइंट आ जाएगा, यस सर, ठीक है, और यहां पे T के टर्म्स में एक पॉइंट अज्यूम कर, लाइन पे पॉइंट अज्यूम करना तो मुझे आता ही है, ठीक है, हाँ अब बताओ, और सर फिर PQ L1 के परपेंडिकुलर है, हाँ वेरी गुड, PQ जो होगा लाइन के जो पैरेलल वेक्टर उसके साथ क्या है परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे, ये किया था, यस सर, हाँ PQ का लाइन L1 के पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, सेम PR का लाइन L2 के पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, ठीक है, दो दो इक्वेशन यहां से आ गई, और एक और इक्वेशन PQ और PR में, हाँ ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच में भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, तो PQ डॉट PR इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो, ये तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या है समझ में आ रहा है? यस सर, क्योंकि यहाँ पे अननोन तीन है, S T और लैम्डा, अननोन कितने हैं, T S T और लैम्डा, तो आपको लैम्डा निकालना है, कर लोगे सॉल्व, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट था, कंडीशंस, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करवाया, दो दो पैरेलल वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट करवाया तीन बार,
यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था कि आपको जो लाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन गिवन थी उसको सिमेट्रिकल फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट किया और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लिया। क्या समझ में आया सबको? 2014 जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, क्लियर है? सर एक बार ये बता दो कि आपने डायग्राम क्या सोच के बनाया था? डायग्राम नॉर्मल बना, तीन पॉइंट पी क्यू आर मान लिए और एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री दिया था, ये सोच के बनाया। देखो एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ था, 90 डिग्री। एंगल क्यू क्यू पी आर 90 डिग्री दिया था मैंने, ऐसे मैंने एक क्यू पी और आर के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री था, ऐसे सोचो आप, बस ये 90 डिग्री बनाया। ठीक है, भले आप इसको ज्वाइन मत करो, ठीक है सर, बता दो चलो। ठीक है, ये 90 डिग्री था, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर, क्लियर है? यस सर। ओके चलो, और किसी को कोई डाउट है ना? नो सर। नो नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अरे एट पढ़ लो सब लोग अपने अपने एंड पे, ये रहा एट। P1 प्लेन है, y इक्वल टू जीरो, P2 प्लेन दिया हुआ है एंड P3 भी द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम P1 एंड P2, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम P3 इज 1 एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम P3 इज दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू। बताओ क्या है ये क्वेश्चन? P1 पता है, P2 पता है, P3 प्लेन है जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास करता है, तो उसकी इक्वेशन बता दो फटाफट P3 की। P1 plus lambda P2, हाँ, P1 plus lambda P2 equal to 0, तो ये तो आपको पता ही है। तब P3 की इक्वेशन निकाल लो कि P1 plus lambda P2 equal to 0, ठीक है, तो P3 की इक्वेशन lambda के टर्म्स में आ जाएगी। आगे क्या बोला गया था? If the distance of the point this from P3 is 1, तो इस पॉइंट का P3 से डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से lambda आ जाएगा। Yes sir। Lambda पता चल के मतलब P3 आ जाएगा, क्लियर है? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हेलो, आर थ्री है, पी थ्री है, कहाँ पे आर थ्री? पी थ्री है ना, आर थ्री कहाँ दिख रहा है? स्टार्टिंग आर थ्री। अच्छा वो अलग है, एक्स वाई जेड आर मतलब ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ठीक चलो, तो देखो आप देख रहे हो ये क्वेश्चन सारे जो पिछली बार भी हमने किए थे वो भी आपसे बन रहे थे 2019, 20, 21, वो वाले भी क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। आज के क्वेश्चन भी हमने आज किए 14 तक कर लिए, लगभग सारे क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन थे जो थोड़े अच्छे थे, बाकी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप बना सकते हो, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली जाना, और मतलब क्वेश्चन अगर बेसिक आ जाए, इजी आ जाए, मीडियम आ जाए तो ट्राई जरूर करना, हार्ड भी आ जाए तो भी ट्राई तो करना एक बार। चलिए आगे बढ़ते, 8 तक हो गया हमारा, अब 9th वाला देख लो। नाइन्थ हो गया ना, ये बाकी नाइन्थ बाकी, हाँ नाइन्थ पढ़ लो, दिख रहा है सबको क्या नाइन्थ? क्वेश्चन नंबर 9th, लेट एल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन देखो ये ओरिजिन वाले बार बार आ रहे हैं, याद आ रहे हैं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन, ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है उसकी कहीं ना कहीं हमको क्वेश्चन दिए। लाइन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सपोज दैट द ऑल द पॉइंट्स ऑन द एल, अरे यार सॉरी, थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे दिक्कत ही आती है। चलो अब दिख रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपने शायद पहले ना किया हो, पढ़ो ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन नए बन सकते हैं लेकिन
अल्टीमेटली सोचना आपको ही पड़ेगा, डायग्राम बना के कॉन्सेप्ट खुद से डेवलप करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो इतने ही है, थोड़े से ही है, लेकिन क्वेश्चन की वेराइटी ऑफकोर्स हजारों लाखों है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके वही है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आप बोलते हो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो क्या मतलब ये करके, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना है आपको। अ लाइन एल पासिंग थ्रू ओरिजिन एल, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही है, सपोज दैट ऑल द पॉइंट ऑन द एल आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन पी वन एंड पी टू। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी लाइन जो इन दो प्लेन से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे है, ठीक है, लेट एम बी द लोकस ऑफ द फिट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एल ऑन द पी, वो तो चलो लोकस है वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन पहला कॉन्सेप्ट आपको ये समझना होगा कि ये जो लाइन एल होगी इसको मैं कैसे निकालू, ये ओरिजिन से पास कर रही है, इस पे पॉइंट तो पता है मुझे, क्या इस लाइन का पैरेलल वेक्टर पता कर सकते हो? सर इसमें ना पैरेलल वेक्टर पी वन क्रॉस पी टू का ही होगा। हाँ वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अल्टीमेटली जो एक चीज हमको बोली गई है कि जो लाइन एल है वो दो प्लेन, जो दो प्लेन है मेरे पास, सुनो ध्यान से, दो प्लेन है मेरे पास, उन दोनों प्लेन से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मतलब उस लाइन से उस प्लेन के अगर ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो डिस्टेंस क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो दो प्लेन है मान लो ऐसे जो इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रहे हैं मान लो, ठीक है। अब वो जो गिवन लाइन होगी वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो वो लाइन हमेशा इनके जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, आया ना? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पे ये था कि जो मेरी लाइन है उस लाइन का इस प्लेन के इन दोनों प्लेन से डिस्टेंस कांस्टेंट है, इन दोनों प्लेन से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। इससे अब ऐसी लाइन जो इस जिसका डिस्टेंस प्लेन P1 से और P2 से क्या है, कांस्टेंट, मतलब वो जो लाइन होगी वो इनके इंटरसेक्टिंग से क्या होगी, पैरेलल होगी। अब देखो यहां से आप जितने भी डिस्टेंस निकालोगे P1 और P2 से, अब ये जो लाइन है ये P1 और P2 दोनों पे लाई कर रही है ना? ये जो लाइन है P1 P2 दोनों पे लाइन कर रही है, तो इसका इससे डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अब आपको मैंने मेंस वाले में ये लाइन निकालना सिखाया था, याद हो तो, ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे जहां पे हमको ये लाइन निकालना रही थी। तो ये लाइन कैसे निकालते हो, n1 क्रॉस n2, हां n1 क्रॉस n2, दोनों प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है, इस प्लेन का नॉर्मल और इस प्लेन का नॉर्मल, इस प्लेन के दोनों के नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये वेक्टर जो इसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, n1 क्रॉस n2। क्या ये बात समझ में आ रही सबको, बोलो? यस सर। आपको लाइन का पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यस सर। पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन आ गई। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं। लेट एम बी द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन एल ऑन द प्लेन पी, ठीक है। अब इस लाइन एल से इस पॉइंट पी पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लाइन अब देखो किस पे ड्रॉ किया है, पी वन पे। हाँ, ये जो लाइन एल है और ये पी वन पे क्या ड्रॉ किया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो लाइन एल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू, क्या आप निकाल लोगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर? पी वन की इक्वेशन पता है, एल की इक्वेशन पता है। यस सर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखा है, आया ना? हेलो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना तो आता ही आपको, पी क्यू की इक्वेशन ले लेना, क्यू पॉइंट निकाल लेना, कर लोगे सॉल्व? यस सर। बोलो, डाउट है तो पूछ लो वापिस से। सर इस केस में कैसे निकलेगी, हमें यहाँ पे L की इक्वेशन आ गई ना, लाइन L की इक्वेशन आ गई, ये समझ में आया, लाइन की इक्वेशन? यस सर। लाइन की इक्वेशन आ गई, प्लेन P1 की इक्वेशन पता है मेरे पास? यस सर। तो अपन को क्या निकालना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है सर, पूरा लोकस निकालना होगा ना, क्योंकि इसमें मल्टीपल पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा गया आपको, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन M, क्या पूछा है? पूरी लाइन आएगी ना इसका लोकस, ठीक है। तो लाइन अच्छा, लाइन लाएंगे तो फिर लाइन की इक्वेशन निकालना भी आपको आता ही है। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, प्रोजेक्शन? अगर आपको मान लो एक सिंगल पॉइंट नहीं पूछा है, ठीक है, अगर मान लो आपको सिंगल पॉइंट नहीं पूछा है, आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसपे सारे पॉइंट लाई करेंगे, मतलब आपको लोकस निकालना है, तो लोकस कैसे निकालोगे बताओ? अभी बताया था एक आपको, देखो पॉइंट यहाँ पे, एक तो प्लेन गिवन, आपको वापिस सुन लो, प्लेन पी वन और गिवन लाइन है एल, कैसी भी लाइन बना दो, ये एल है, ठीक है। यहां से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए, उन सबका लोकस निकालना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन निकालना है, बोलो सर। और प्रोजेक्शन कैसे निकालते है? बताओ, एक्सटेंड कर देते हैं। हाँ, एक्सटेंड कर दे, दो पॉइंट निकाल लो, क्या कर लो, दो पॉइंट पता कर लो। एक पॉइंट आ जाएगा आपका, एक तो ओरिजिन से जो इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे,
एक पॉइंट आपका क्या है ओरिजिन, ये पॉइंट पी पता है आपको, तो ये क्यू निकल जाएगा, क्यू तो निकाल लोगे है ना सर। और दूसरा आपको मैंने अभी सिखाया था इसको एक्सटेंड करके, ये जो सर बट वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना, कौन लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी ना प्लेन को, लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी क्या? हाँ नहीं करेगी यार, सही दिक्कत आ रही थी। ठीक है तो फिर अगर आपकी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो आपकी ये गिवन लाइन, हाँ आपकी जो गिवन लाइन है प्लेन के क्या पैरेलल है ना फिर तो, यस सर। तो फिर तो अगर पैरेलल है तो फिर आपका डायग्राम ही अलग बनेगा, तो अगर आपकी गिवन लाइन प्लेन के पैरेलल है अब प्रोजेक्शन निकालना है तो फिर तो शायद प्रोजेक्शन आसान होना चाहिए, एक बार ट्राई कर लेते हैं। आपकी जो गिवन लाइन है वो प्लेन की क्या है पैरेलल है, क्योंकि उसका नॉर्मल वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट आपने जीरो लिया है। अब इस पे आपको क्या निकालना है प्रोजेक्शन निकालना है, तो एक पॉइंट का आपको ओरिजिन दिया हुआ था तो उसका प्रोजेक्शन आपने निकाल लिया, अब बचे हुए पॉइंट्स कैसे निकालो? अच्छा इसका पैरेलल वेक्टर और प्रोजेक्शन का पैरेलल वेक्टर सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना सर, हो गया। दोनों का पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा सेम, क्लियर है? तो अगर लाइन पैरेलल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पॉइंट पता है पैरेलल वेक्टर पता है, इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट आ जाएगी, पैरेलल नहीं है तो आप इंटरसेक्टिंग से निकालोगे, दोनों कंडीशन आ गई समझ में, आगे समझ में आप? तो लाइन की आपके बेसिकली प्रोजेक्शन अपन क्या निकाल रहे, एक लाइन पर एक प्लेन पे प्रोजेक्शन, एक लाइन का एक प्लेन पे प्रोजेक्शन, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो एक पॉइंट तक निकाल लेना फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पैरेलल वेक्टर दोनों के क्या होंगे सेम, और लाइन और प्लेन अगर पैरेलल नहीं है तो वो भी हमने निकालना सीख लिया, क्लियर है सबको? बोलो सर। ठीक है अब सॉल्व कर लेना, एक बार ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है अब हो जाएगा सॉल्व, आगे बढ़े क्या सर? ओके तो इस क्वेश्चन को वापस घर पे ट्राई कर लेना, हो जाएगा अब आपसे तो। चलो फटाफट इस पे आते, ये टेंथ वाला देखो ध्यान से, ये बनाया था क्या आपने डायग्राम वगैरह कुछ, थोड़ा सा क्या पता कैसा क्वेश्चन है, चलो टेंथ को अपन बाद में करते, थोड़ा सा लेंदी है, फटाफट पहले बच्चे भी क्वेश्चन निपटाते हैं, 10 बज गई है। ये बताओ इलेवंथ, इलेवंथ देखो ध्यान से दिख रहा है? यस सर। मतलब पी इज द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू प्लेन दिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड द कंटेनिंग लाइन दिस, आसान है सर इसमें इमेज निकाल देंगे हो ही गया, इजी इजी था ना, वही तो कह रहा हूं, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, देखो पी इज द इमेज ऑफ दिस, तो इमेज निकालना आती है सबको सर, इमेज निकालना ऑलरेडी आपको मैंने सिखा रखा है, तो इमेज मान लो क्यू है तो उस प्लेन पे एक पॉइंट क्यू पता चल गया, और इसके अंदर एक लाइन भी पता है तो लाइन पता मतलब एक पॉइंट, लाइन पता मतलब इसके अंदर एक पॉइंट और पता है आपको आर, आया ना? यस सर। बस इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता ही है, नॉर्मल वेक्टर चाहिए तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए लाइन का पैरेलल वेक्टर और क्यू आर वेक्टर का क्या लेना क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या जाएगा नॉर्मल वेक्टर, क्लियर है कर लोगे सॉल्व? यस सर। चलो 12th, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस, ये भी वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया, देखो वापिस से, ऐसा प्लेन जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एक प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए अगेन दो चीज चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो पॉइंट तो पता ही है, नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट n1 क्रॉस n2 से परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा, पॉइंट पता परपेंडिकुलर वेक्टर पता इक्वेशन भी आ जाएगी, क्लियर है? यस सर। तो देखो ये 2017 में रिपीट हो गया, ठीक है ऑलरेडी हमने अभी आज ही सीखा, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है ना, हाँ पिछली बार जो अभी क्वेश्चन करा वैसे ही तो है, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर तो n1 क्रॉस n2 करोगे तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और प्लेन पे पॉइंट पता है नॉर्मल वेक्टर पता है इक्वेशन आ जाएगी r-a.n=0, क्लियर है? आया ना? ठीक है 13 देख लो फटाफट, दिख रहा है 13 Let P1 and P2 be two planes, then which of the following intersection, which of the following statement are true? अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन सॉल्व करवाए आपसे 2018 में। Line of intersection of P1 and P2 has direction ratio this। तो ये तो देखो अभी करवाया था। बताओ ये कैसे निकालोगे?
p1 plus lambda p2 equals 0 करके। अरे नहीं, line of intersection of p1 and cross p2 product करें, cross product कर देंगे। बस ये line का parallel vector निकालना, parallel vector किसे निकालोगे, n1 cross n2 आया ना? Yes sir। दोनों plane का n1 cross n2 कर दोगे तो दोनों की line of intersection के parallel vector आ जाएगा। The line this is perpendicular to the line of intersection of this and this। तो ये कैसे चेक करोगे, ये जो n1 cross n2 आएगा इसका इसके साथ dot क्या होना चाहिए, 0। सर ये भी हो जाएगा acute angle between p1 and p2। दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच में, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वही दोनों प्लेन के बीच में एंगल होगा। यस सर ठीक है। इफ द p3 पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ p1 एंड p2 देन द डिस्टेंस ऑफ दिस। तो p3 इस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो ये आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे परपेंडिकुलर है p3। तो p3 का नॉर्मल वेक्टर पता है? यस सर, ये नॉर्मल वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, p3 की इक्वेशन आ जाएगी। सर इस पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना ना, ये भी हो जाएगा। चार ऑप्शन आसान थे 2018, देखो आसान था, 17 18 दोनों में आसान क्वेश्चन आया था, आया ना? यस सर आया था कि नहीं? अरे आपको आ रहा है समझ में? सर आ रहा है। यस सर तो बोला करो ना फिर, ये p13 दोगे 14 देखो फटाफट। इसका 8 आया था, एक सेकंड है ये सब फिर से हो गए, इसको इधर लाना पड़ेगा। नहीं दिख रहा है सबको क्वेश्चन? यस सर ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी इज द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेन, ऑक्टेन समझते हो ना, आया ना? यस सर। जैसे चार क्वाड्रेंट होते हैं थ्री डायमेंशन में, आठ ऑक्टेंट होते हैं, कितने ऑक्टेंट होते हैं, आठ, चार ऊपर चार नीचे, ऐसे समझो चार कमरे टाइप ठीक है, चार कमरे ऊपर चार कमरे नीचे, तो फर्स्ट ऑक्टेन में सारे क्वाड्रेंट्स पॉजिटिव होंगे। पी इज द पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेन, क्यू इज द इमेज इन द प्लेन दिस, अ प्लेन गिवन है सिर्फ आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, that is the क्या बोला गया, P is the in the first quadrant, Q is the image in the plane this, that is the line segment PQ is perpendicular to plane this, ठीक है हाँ, the midpoint of the PQ lies on the plane this, ये तो पता ही है अपन को, lies on z-axis, ठीक है, from the point, let the distance of the point P from x-axis is 5. R is the image of the point P in the xy plane, then the length of PR. Solve करवाया इन्होंने। ये हो गया था क्या solve? Yes sir. ठीक है? एक बार short में फटाफट बता दो, जिनको doubt है देख लेना एक बार। आपको देखो क्या given है? Plane P, देखो plane की equation given है। इस type का plane कैसा होता है ये? Z axis के parallel हो गया। अब देखो यहाँ पे Z का term ही नहीं है। Z का term है क्या? बोलो। मतलब बेसिकली जेड जेड के साथ इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, नॉट मतलब है ही नहीं, तो मतलब ये जेड एक्सिस के साथ कैसा होगा, पैरेलल होगा क्या, कैसा होगा? पैरेलल होगा, पैरेलल होगा ठीक है। मतलब एक्स वाई जेड डायग्राम अगर इसका बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें क्या एक बार बना के देखते हैं। ये मान लो आपके तीनों एक्सिस हो गए ठीक है, और ये मान लो इसको जेड एक्सिस बोल दिया, तो मेरा जो गिवन प्लेन होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। अच्छा मुझे ये बता सकते हो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितने होंगे इसके? 1 और 1 3 3 होंगे ना, x by 3 plus y by 3 equal to 1, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितने होंगे 3, तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट 3 और z एक्सिस के कैसा है पैरेलल, तो ऐसा कुछ बनेगा क्या? यस सर विजुलाइज कर पा रहे हो, ये डायग्राम में थोड़ा सा ऐसा बन रहा है पर आप शायद विजुलाइज कर पाओ ठीक है। तो ये बन गया, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, ये पॉइंट है 3, ये पॉइंट है 3, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा पर मैं डायग्राम अच्छा दिख रहा था इसलिए डायग्राम बना दिया मैंने, ये z एक्सिस। अब क्या बोला गया, p जो कि फर्स्ट ऑक्टेन में है उसका इमेज q है, और pq का मिड पॉइंट किस पे लाई करता है, z एक्सिस पे, क्या ये बात समझ में आई? सर इसका इमेज इधर, ये पॉइंट है इधर, ये p, ये आर,
है ना, लेट द डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 मिनट, तो पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्यू एक्चुअली लाई कर रहा है जेड पे, अच्छा ऐसा बोला है क्या, whose image q on the plane lies on the z axis, ek mera paise pad lete hain, p is the first quadrant mein to image q definition pe, what is the line segment perpendicular pq and the mid and the midpoint of the pq lies in the plane, the midpoint of the pq lies in the plane this lies on z axis, acha ye q z axis pe lie kar raha hai, yes sir, aur midpoint plane sir image pe, हाँ सर मिडपॉइंट कहाँ प्लेन पे होगा, सॉरी सॉरी मिडपॉइंट तो किस पे होगा, प्लेन पे होगा, तो ये मान लो पी यहाँ पे कहीं आगे है पॉइंट, इसका इमेज जो है वो क्यू पे जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है जेड एक्सिस पे, तो क्यू यहाँ पे है, यहाँ ये मिडपॉइंट जो है दोनों का प्लेन के ऊपर है और ये पॉइंट है पी, अब सही है, ठीक है, पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है, इसका मतलब क्या है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस अगर, अच्छा इस q q का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, सर अगर हम p को पहले 0, 0, कुछ ना कुछ होगा z मान लो या फिर c मान लो, चलो क्या मान लिया c, क्लियर है, मतलब ये डिस्टेंस को c मान लिया, आया ना, यस सर, यस सर, तो ये डिस्टेंस भी c होगा, हाँ अब बोलो सर, जो P पॉइंट होगा ना वो सर x is equal to y के अलोंग होगा, ऐसा क्यों, अगर देखो इसका जस्ट इधर होगा सामने एकदम सर, क्योंकि एकदम सामने होगा ये, हाँ सामने होगा, सिमेट्रिकल होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर i कैप प्लस j कैप है, ठीक है, हाँ डायग्राम तो ऐसा बनेगा, थोड़ा इधर बनाते हैं डायग्राम अपन, हाँ तो वो जो पॉइंट P होगा वो मतलब, हाँ बेसिकली जो पॉइंट पी अगर वो जेड एक्सिस पे इसका इमेज लाई कर रहा है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, यस सर, है ना, सिमेट्रिकली यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो बेसिकली उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मान लो ए कोमा ए मान लिया और जेड कोऑर्डिनेट को अपन ने क्या मान लिया, सी मान लिया, क्लियर है, ठीक है, अब क्या बोला, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है सर, यहाँ से ना पहले हम मिड पॉइंट को प्लेन पे रख सकते हैं, वहां से ए आ जाएगा, मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट कितना होगा, a1 + a2 / 2 b1 + b2 / 2 एंड c1 + c2 / 2, तो c इसको प्लेन में रखोगे x, हाँ तो प्लेन प्लेन की इक्वेशन है सर, जो आपने हाँ. p का डिस्टेंस लिखा है c कहां से लिखा, मतलब x से तो उन्होंने 5 कहा था ना, और ये y z एक्सिस पे डिस्टेंस c है ना, नहीं हमने पी का डिस्टेंस कहां से लिखा है, सी एक्स वाई प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से 5 है, ठीक है, जेड एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट सी है ना, तो ये सब एक ही तो लाइन में होंगे, यस, तो इन सब पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस तो सी होगा ना, तीनों का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, सी होगा, और ये जो पॉइंट पी अपन ने अज्यूम किया ए को माई, ये इस पे लाई करेगा तो यहां से ए आ जाएगा, 3 नहीं ए 3 आएगा क्या, देखो चेक करो ये आएगा x plus y equal to 3, इसको अपन ने क्या माना था a comma c, ये सर ये पॉइंट आएगा, यहां से a कितना आया 3 आया, 3 by 2 और c, क्लियर है, ठीक है, तो a आ गया आपके पास 3, अब पूछ और क्या दिया था आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है x एक्सिस के साथ, ठीक है सर, अगर हम जो पॉइंट जो प्रोजेक्शन उसके एक्स वाई प्लेन पे पड़ रही है उसको कुछ पॉइंट बोल दिया, जैसे एस टी कोई भी पॉइंट बोल दिया, हाँ तो सर एस का डिस्टेंस आर से एक्स एक्सिस से वो 3 होगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है पॉइंट का, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 3 है, हाँ ठीक है, ये कर सकते हो, इसका राइट एंगल ट्रायंगल बन, एक डायग्राम अलग से बना देता हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ी सी ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्रिकली जाओगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, नहीं तो अगर मान लो बिना ज्योमेट्री के जाएंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, ये पॉइंट मैंने जो माना था इसका बोला था एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमको गिवन है, कितना गिवन था 5, इस पॉइंट को अगर यहाँ पे ऐसे एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो इसको ऐसे ड्रॉप किया, ठीक है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया था 3, 3, c,
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आया था 3, 3, C, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, नहीं x y उल्टा मान लिया मैंने, चलेगा, चलो z एक्सिस पे नीचे आना चाहिए, राइट हैंड, तो फिलहाल अभी चलो ऐसे मान लेते हैं, x y z मान लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3, 3, C, राइट। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 3, 3 होंगे और ये सी होगा, ये समझ में आता है? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे हमने ऐसी तस्वीर करते हैं, एक्स एक्स का डिस्टेंस वाई का डिस्टेंस, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, और ये कितना होगा सी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये डिस्टेंस कितना था, सी था, क्योंकि ये डिस्टेंस सी है, ये डिस्टेंस कितना है 3, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है, और ये डिस्टेंस कितना है 5 आया, तो 3 सॉरी ये सी था, सी 3 और 5 में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो 20 सी यहां से सी निकल जाएगा, 4 आएगा सर, हां सी कितना आएगा 4, तो सी की वैल्यू 4 आ गई, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 3, 3, 4। अब क्या पूछा था आपके पास, ये पी आ गया, पूछा क्या था लेंथ पी आर, आर कौन है, आर कौन है, आर इज द इमेज ऑफ द पी इन द एक्स वाई प्लेन, अच्छा एक्स वाई प्लेन में इसकी इमेज है आर, पॉइंट पी की एक्स वाई प्लेन में इमेज, अब इस पॉइंट की इस प्लेन एक्स वाई प्लेन के अंदर इमेज कहीं ना कहीं नीचे आएगा, बोलो सर, यस सर, माइनस जेड की तरफ, एक्स वाई प्लेन में क्या चेंज होगा, एक्स 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 कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, जेड चेंज हो, जेड चेंज हो जाएगा, तो जेड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस सी, 3, 3 माइनस सी, सी कितना था 4, तो माइनस 4, समझ में आ रहा है यस सर, ये डिस्टेंस कितना होगा 8, चार चार आठ हो गया, ये आ रहा है क्या आंसर, चेक करो, यस सर, तो आंसर चेक कर लेते हैं ना, हाँ 8 आ रहा है, सही है। तो देखो दिख रहा आपको क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली बहुत आसानी से दिख गया, ज्योमेट्रिकली और सिमेट्रिकली, पहली चीज तो अपने डायग्राम बना, दूसरी चीज क्या बोला, अगर इमेज जो क्यू पे लाई कर रही है मतलब ये पॉइंट सिमेट्रिकली होगा, मतलब उसका एक्स और वाई से डिस्टेंस क्या होगा सेम, तभी जाके वो एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि ये प्लेन भी सिमेट्रिकल है, तो वहां से हमारे पास एक अननोन कम हो गया, नहीं तो वो एक अननोन और बढ़ जाता, तो A, A, C मान लिया, फिर सारे डेटा को कंपेयर किया, मिड पॉइंट निकाल लिया, मिड पॉइंट को सेटिस्फाई करा, प्लेन की इक्वेशन वहां से ए आ गया, फिर जो दूसरा डेटा गिवन था डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस उसको 5 से इक्वेट किया, वहां से सी आ गया, और फिर तो आसान था, क्लियर है। और दूसरा ध्यान रखनी, यहाँ पे वाई प्लस जेड इक्वल वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ था, मतलब ये प्लेन जो जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा जेड एक्सिस, ठीक है, कहाँ तक 14 तक ही बोला था मैंने आपको, 17 तक बोला था, अच्छा हो गए बाकी सारे, ठीक है, बाकी हो गए थे तीनों 15, 16, 17, चलो देखते हैं, डाउट हो तो अगली क्लास शाम को अगर क्लास दूंगा तो उसमें पूछ लेना, ठीक है, चलो इसके बाद आपको मैंने ये एक और दिया था, ये आपका ये सारे क्वेश्चन 3D के थे, ये सारे क्वेश्चन किसके थे 3D के, आप देखोगे ना एक एक क्वेश्चन लगभग एक एक दो दो क्वेश्चन है, 2019 में 3D के देखो दो क्वेश्चन आए, 2018 में 3D के 3 क्वेश्चन आ गए, देख पा रहे हो आया ना, तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है, 17 में भी एक क्वेश्चन आया तो बाकी क्वेश्चन वेक्टर्स आए होंगे, तो अब ये जो बच्चा हुआ ये वेक्टर का है, इसमें आपको वेक्टर के ये वेक्टर के पी वाई क्यू है, ठीक है, तो इस ये भी कितने क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कर लोगे, यस सर ये बच्चे के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तो शाम को हुआ तो 4 बजे एक और क्लास ले लूंगा आपकी, ठीक है सर, आया ना सर, एक सर ले लेना सर, ठीक है, अच्छा मुझे अब ये बता दो फटाफट, केमिस्ट्री और फिजिक्स कैसे क्या चल रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, केमिस्ट्री में सही से हो रहा है, यस सर, प्रॉब्लम आए तो बता देना, थोड़ा पीछे चल रहा है सर केमिस्ट्री में, सिलेबस वाइज पीछे चल रहे क्या, ठीक है मैं सर को बोलता हूँ थोड़ा एक्सटेंड करके उनकी क्लास, अगर अलग से प्लानर में सर अभी तक तो शायद हम वो कर रहे करना था, हमें ऑर्गेनिक शुरू कर देनी थी, अच्छा कितने लेक्चर पीछे चल गए, मैं एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ गया ना, पढ़ नहीं रखा था, जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस का तो वो एक्स्ट्रा लंबा टॉपिक है इसलिए, ठीक है, और इसके अलावा चल रहे शायद, हाँ और क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे देखो प्रॉब्लम शेयर कर दो तीनों सब्जेक्ट के हिसाब से, कि आपको इन तीनों सब्जेक्ट में ये दिक्कत आ रही है, तो वो अगर सॉल्व हो सकती होगी तो मैं कोशिश करूँ, अच्छा हाँ जो मैम थी ना, अच्छा मुझे ये बताओ वो मैम क्या इंग्लिश में बोलती है, आपको इंग्लिश
चलेगा? यस सर। ठीक है यस सर। एक बार मैं उनका ना उनको उनका एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार आप देख लेना आपको कैसा क्या लग रहा है, फिर दोनों में से जो ज्यादा सही लगे वो बता देना, तो उन्हीं को आप फिजिक्स के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। ओके सर। आप बस मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अलग से भेजूंगा, ग्रुप में डालूंगा, पर्सनली भेजूंगा। क्या वो मैम तो अपना सिलेबस अब शुरू करेंगी ना, मतलब? अरे नहीं, हां वो उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट किया। इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ी हुआ आपका अभी? एक दो बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा, मांग लेना मुझसे, तो वो देख के एक बार मुझे बता देना क्या कैसा क्या लग रहा है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छे से पढ़ा रही है, या फिर होगा तो वो टॉपर बैच 2 में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें तो आप जनरली सारे होंगे। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना और मुझे फीडबैक बता देना। अगर आपको ज्यादा सही वो लग रही मैडम तो मैडम के साथ कंटिन्यू कर लेंगे, सर ज्यादा सही लग रहे तो सर के साथ कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, सर में और क्या दिक्कत आ रही है फिजिक्स में? स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है ना सर? अपना टेस्ट डिस्कशन था और फिर फिजिक्स क्लास एक दो दिन ऐसे भी लेट शुरू हुई ना, इसलिए हमारे करंट टॉपिक से एक दो टॉपिक पीछे चल रहे हैं। ये टॉपिक वैसे एक क्लास में कितने क्वेश्चन कवर हो पाते हैं? केमिस्ट्री में और क्या कोई दिक्कत हो रहा है आपको? ये सर को मैंने कहा था, वो आपने आप भी बोल देना कि सर क्लास के पहले वो भेज दो थोड़े क्वेश्चंस। ठीक है, बोला था आपने? ठीक है, मैं सर को और बोल देता हूँ। उनके पास भी क्या क्लासेस दूसरी भी उनकी भी लगती, तो टाइम थोड़ा सा सेट नहीं हो पा रहा है उनकी। अगर हो पाएगा तो उधर क्लासेस कम करवा के आपकी करवा दूंगा, उनको मैं बोल दूंगा कि आपको भेज दे पहले। इसके अलावा और कोई सपोर्ट चाहिए आपको? सर अगले टेस्ट का एनालिसिस जल्दी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं, अब तो हो गया सॉर्ट। वो जो पिछली बार प्रॉब्लम क्या, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आई थी। आपने वो जो मल्टीपल चॉइस थे ना आपके, उसमें आपने आंसर मान लो अगर ACD ऑप्शन है और आपने मान लो A और C टिक किया, तो वहाँ पे पार्शियल मार्किंग होती है जेई में, तो नेगेटिव काउंट कर लिया क्योंकि सिस्टम में आंसर ACD दिया हुआ था, तो वो जो टेस्ट इंजन आपका जो पुराना वाला था उसने उसको नेगेटिव काउंट, इसलिए आपके मार्क्स कम आ रहे। जितने भी टेस्ट लिए थे आपके मेंस लेवल पे सब पे, उसमें सब सिंगल करेक्ट है ना सर, तो वो जो टेस्ट इंजन उसके हिसाब से डिसाइड बना हुआ था, लेकिन आपका इस बार मल्टीपल चॉइस में ये दिक्कत आ गई थी, तो वो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन वो इस बार सॉर्ट हो गया। ठीक है, बाकी मेन आपको देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप पेपर के बाद आपको मैं पेपर और सॉल्यूशन तो भेजूंगा इसे। ठीक है, तो उससे भी अपनी गलती को तो एटलीस्ट आप एनालिसिस कर लेना कि आपकी कहां कहां क्या क्या गलती हुई, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए। ठीक है, ठीक है, क्या रिपोर्ट सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट है, ऐसे कुछ रिपोर्ट क्वेश्चन वाइज? क्वेश्चन वाइज ट्राई कर रहे हैं, अब देखो वो हो पाए, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट इंजन का काम है, और दूसरी चीज क्या, अभी जो 11-12 बैचेस अलग चल रहे, तो पूरी टीम उसमें बिजी है, क्योंकि संडे को उनके भी टेस्ट होते हैं, संडे को टोटल 8 टेस्ट होते हैं, तो वो 8 पेपर बनाते हैं, तुम्हारा साइड बाय साइड ये पेपर भी बनता है, इसलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोल रखा है आपका पेपर तो हो ही जाएगा, लेकिन इस बार ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा पिछली बार से ज्यादा है, तो थोड़ा सा काम रह के पेपर देना, मतलब आपको वही करना है कि भाई आपको सिलेक्ट करना है कि आपसे जो इजी से क्वेश्चन बेसिक वैसे क्वेश्चन वो आपसे बन जाने चाहिए, टारगेट करना है। फिलहाल अभी सेकंड टेस्ट आपका, इस बार टारगेट यही करना कि 60 क्रॉस कर लो, 60 क्रॉस कर रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात है। क्लियर है सर? कितने मार्क्स का टेस्ट होगा ये वाला? इस बार भी उतना ही है लगभग, 360 मार्क्स का ही होगा, मैं बता दूंगा टोटल कितने एक अकाउंट कर लूंगा, पेपर तो आ गया मेरे पास, बस यही पेपर का लेवल इस बार पिछली बार से अच्छा है। ठीक है सर, ओके सर। देखो सब लोगों को घबराना नहीं है, देखो डरना नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, मेरे से बनी नहीं रहे, आपको बस अपना मेंटल वैसे ही काम रखना, चाहे पेपर टफ आए चाहे पेपर इजी आए, एडवांस में भी यही होगा, हो सकता है थोड़ा इजी क्वेश्चन आ जाए, पेपर आ जाए, हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही टफ आ जाए, लेकिन आपको अपना काम बना के रखना है, उसमें आपको बस यही देखना है कि नहीं मुझे अपने सिलेक्टेड क्वेश्चन ट्राई करने, हर तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना है और ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है, तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 10-10 नंबर आ जाए और ओवरऑल 30-40 नंबर आ जाए, ये पहला बेसिक टारगेट ही होना चाहिए, फिर ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम तो इतना आपको टारगेट करना है ताकि आपका क्वालिफाई हो जाए। क्लियर है
यस सर ओके चलो ठीक है थैंक यू एवरीवन बाय बाय थैंक यू सर कोई दिक्कत आए तो बता देना मैसेज कर देना अलग से ठीक है तीनों सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आए तो ओके थैंक यू सर ओके